सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी की जो अंतर्कलह है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल सहारनपुर में जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं सत्येंद्र सिसोदिया, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ आप सबने देखा। अब ये क्या चल रहा है बीजेपी में, इस पर बातचीत करेंगे। सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अवनिंद्र कमलजी से बात कर लेता हूँ। अवनिंद्र जी, ये क्या कुछ चल रहा है भाजपा में? ये तो जो लोकसभा चुनाव के हारने के बाद जो मतभेद थे वो तो काफ़ी अब तो खुलकर दिखने लगे, सड़कों पर आने लगे अब तो। मेरे ख्याल से पहले तो सोशल मीडिया पर माहौल गर्म होता था। देखिए, लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बुरी पराजय हुई है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को ये गुमान था कि मोदी और योगी के नाम पर इस बार भी जो है बड़ा उम्दा प्रदर्शन हुआ है। आप ही चैनल पर मैंने पहले कहा था कि 2014 के मुकाबले 2019 में खराब प्रदर्शन हुआ है और 24 में उससे भी खराब प्रदर्शन होगा, और वो सही साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है वो संगठन और सरकार में तालमेल नहीं है। यहाँ तक कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो दोनों डिप्टी सीएम हैं उनको, और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, इनके बीच में अनबन रही और ये बात लखनऊ से छन के दिल्ली तक गई। नेता ये दोनों दिल्ली तलब हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए और एक मैसेज दिया गया। तो ये कहने का मतलब कि जो कला है वो लगभग हर ज़िले में है। और जहाँ तक सहारनपुर की बात है तो राजीव गुंबर और राघव लखनपाल गुट में तनातनी बहुत पहले से चल रही थी, खासतौर पर आप देखें मेयर चुनाव में भी। लेकिन मेयर चुनाव में राघव लखनपाल इनके साथ डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो चुने गए मेयर, कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, लेकिन वहाँ भी देखा गया कि राजीव गुंबर थोड़ा सा उनका और उनके जो चाहने वाले उनके जो समर्थक हैं वो अपनी अलग खिचड़ी पका रहे थे। अब रही बात लोकसभा चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी की पराजय पूरे मंडल में हुई, शामली में भी हुई और मुजफ्फरनगर में भी हुई। वहाँ भी अंतरकला है, वहाँ भी दो गुट बन गए हैं, और यहाँ राजीव गुंबर और राघव लखनपाल में अंदर खाने बन नहीं रही है और यह बात जग जाहिर हो चुकी है। और जो कल घटना हुई, जो कि क्षेत्रीय पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं मनीष सिसोदिया, संगठन में यह बहुत बड़ा पद होता है, उसके सामने एक विधायक की कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं होती है, और जिस तरह से उन्होंने बहिष्कार किया वो एक तरह से संगठन को ठेंगा दिखाना है, राजीव गुंबर ने जैसा किया, और उनको एक हद तक मनमानी की सीमा तक ले जाने की बात कही जा सकती है। और भाजपा ऐसे अपने किसी भी, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, पार्टी पदाधिकारी हो, संगठन उसके पर जरूर कतरता है। और जो जो घटना कल हुई उसमें आप देखिए, राघव लखनपाल बिल्कुल शांत रहे, वो सारे घटनाक्रम को चुपचाप देखते रहे, लेकिन बड़े तेज में आकर के राजीव गुंबर ने एक तरह से बहिष्कार कर दिया। सिसोदिया जी कहते रह गए लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। तो मेरा मानना है कि राजीव गुंबर का भविष्य में नुकसान हो सकता है, क्योंकि भाजपा अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है और राजीव गुंबर संघ में रहे हैं, शुरू से संघ के वो कार्यकर्ता रहे और कभी कोई पार्टी नहीं बदली, उनमें तमाम खूबियाँ रही हैं। लेकिन कल जो है उन्होंने एक तरह से हल्केपन का परिचय दिया और एक तरह की कमजोरी भी कही जा सकती है, इस तरह से एग्रेसिव होना। लेकिन जिस तरह से जो राघव समर्थक हैं वो लगातार घेरते रहते हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से भी तमाम तरह के, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी वजह से ज़्यादा तैश में आए हों कोई विधायक जी? नहीं, देखिए, राघव समर्थकों को इस बात का मलाल है कि लोकसभा चुनाव में राजीव गुंबर ने उसी वैसी मेहनत नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। खासतौर से जो ब्राह्मण समाज है वो बहुत नाराज है, और सदर सीट पर करीब 50,000 से ज़्यादा ब्राह्मण हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर राजीव गुंबर को टिकट दिया गया तो ये ब्राह्मण उनको वोट करेंगे। तो राजीव गुंबर का जो राजनीतिक सफ़र है, उनका जो मुस्तकबिल है, वो मुझे धुंधला लग रहा है, नुकसान इनको हो सकता है। चलिए, यहाँ देवेश त्यागी जी भी हैं, आप कैसे देखते हैं, कैसे ख़त्म होगी और कितना नुकसान उठाएंगे अगर ये ख़त्म नहीं हुआ टाइम पर? नहीं, जब राजनेता जनता से ऊपर अपने आप को मानने लगते हैं तब तब ऐसा ही नुकसान होता है। यही नुकसान कई चुनाव में देखने को मिला है कि आपसी कलह, आपसी लड़ाइयाँ जिस प्रकार से राघव और आपका गुम्बर के बीच में हुई, वो नुकसान कहीं ना कहीं कभी राघव को हुआ, गुम्बर को भी हुआ, और आने वाले समय में ये और भी देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार से वो जनता के बीच में एक मैसेज ये दिया है कि मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, वह गलत है, वह तेवर गलत है। तेवर गलत है, आप भी गलत मानते हैं क्या उन तेवरों को, या क्या उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप खालिद भाई? देखिए, शुरुआत से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016 में पहली बार उपचुनाव जीते थे राजीव गुंबर सहारनपुर शहर सीट से, उसके बाद 2017 विधानसभा चुनाव के अंदर चुनाव हार गए थे। तो वहीं से एक दोनों गुंबर और सांसद राघव लखनपाल के बीच में दूरियाँ थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा जग जाहिर नहीं थी।
इस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये दूरियां बहुत, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं होने लगी थी और ये दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इसी का खामियाजा, इसी का नुकसान लोकसभा चुनाव में, हालांकि पूरी यूपी के अंदर बीजेपी को खासा लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है, लेकिन सहारनपुर मंडल की तीनों सीटों पर और ख़ासतौर पर सहारनपुर की सीट जो कि ह्यूज मार्जिन से गठबंधन प्रत्याशी जीते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों पक्षों के बीच राजीव गुम्बर के और राघव लखनपाल के बीच जो एक तनातनी थी, इसका बहुत बड़ा कारण था। और रही बात इसकी जो नुकसान जो है इसका भविष्य में होगा, पॉलिटिकल लीडर को हम्बल होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर को पार्टी के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। जब तक आप पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2027 के विधानसभा चुनाव में, जो मुझसे पहले अभी अमरिंदर कमल जी ने बात कही है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण जो लॉबी है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है लोकसभा चुनाव में राघव लखनपाल शर्मा के हारने के बाद से, तो कहीं ना कहीं अगर राजीव गुम्बर कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन सहारनपुर नगर सीट से तो उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अमरिंदर जी बताइए कि राघव के समर्थक तो लगातार लिख रहे हैं कि राजीव गुम्बर की तरफ से तो अभी किस तरह कोई बयान नहीं आया सामने, ना उनके कोई विरोध में देखने को मिला है, लेकिन कल पहली घटना हुई है हमारे ख्याल से तो शायद ही पहली। देखिए अभी तक मतलब मनमुटाव तो था ही, अंदर अंदर एक तरह से वो पानी खोल रहा था, अब कल वो बाहर आ गया क्योंकि दोनों को एक मंच पर बैठना था। राजीव गुम्बर ने कहा कि मैं इसी हालत में मैं नहीं बैठूंगा और जिस तरह से तय इसमें बाहर गए, तो वो चूंकि अभी नगर विधायक हैं, राघव लखनपाल चुनाव हार चुके हैं और उनको लगता होगा कि भाई संगठन में हमारी बड़ी बैठ है और जो भी कारण रहा हो, तो एक तरह से बहुत हल्केपन का परिचय दिया। दूसरी बार वो विधायक हैं और उनको अपनी पार्टी के ही कार्यक्रम में, जब आपका संगठन संगठन के प्रदेश पश्चिमी प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद हैं जो कि बहुत बड़ा पद होता है, सिसोदिया जी मंच पर थे और बार बार आग्रह भी कर रहे थे लेकिन गुम्बर जी नहीं बैठे, तो कहने का मतलब कि गुम्बर जी ने ही पहले पाला खींच दिया। ये वैसे हुआ जैसे 1971 में जब भारत और बांग्लादेश की जब लड़ाई छिड़ी हुई थी, तो इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी और वो चाहती थी कि पहले भारत पाकिस्तान भारत पर अटैक करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके, तो राघव लखनपाल ने कल चुपचाप रह के यही परिचय दिया, सबसे पहले अटैक किसने किया, राजीव गुम्बर ने, जैसे पाकिस्तान ने अटैक किया था 1971 में ना, और उसके बाद सारे बंकर उनके टैंकर ध्वस्त कर दिए, तो राघव लखनपाल बहुत सूझबूझ और पढ़े लिखे नेता हैं। पहला अटैक तो राघव लखनपाल शर्मा की तरफ से लगातार एक के बाद एक अटैक हो रहा था। राघव लखनपाल ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था अभी तक, समर्थक एक दूसरे पर आरोप, जयचंद बुजुर्ग बोलते थे अभी तक समर्थक कर रहे थे, लेकिन कल खुद जो है तलवार म्यान से बाहर निकाल कर राजीव गुम्बर सामने आ गए। अब ये पार्टी और सरकार देखेगी कि इसको तवज्जो देनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजीव गुम्बर को 2027 में सदर सीट से मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि भाजपा में ऐसे कृत्यों पर तुरंत कार्रवाई होती है। चलिए ठीक है, हाँ शमीम जी आप क्या कहेंगे इस पर, क्या जो कल देखा आपने वीडियो वायरल हुई थी वो क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा इसमें आपसी क्लेह तो हर घर में चलती है, तो जो घर के क्लेश होते हैं वो सड़क पर या मैदान में नहीं लाने चाहिए। जैसे आपने भी बताया कि जयचंद और आस्तीन के साम जैसे शब्द जो है राघव लखनपाल शर्मा की तरफ से कहे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इसको मानता हूं कि अपनी हार का ठीकरा जो है वो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर तो फोड़ेंगे ही। हालांकि राघव लखनपाल शर्मा की खुद अपनी कमियां रही हैं जो उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, मैदान में नहीं आए, लोगों के बीच नहीं गए हैं, लोगों के बीच जाते तो कहीं ना कहीं उनको जो है वोट मिलता, लोगों को अगर वो बाहर निकालते तो इसका हार का ठीकरा वो फोड़ते जो है नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए राजीव गुम्बर के ऊपर जो है वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि जो राजीव गुम्बर हैं वो कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे, इसीलिए कल उन्होंने जो है एक मंच पर बैठने से इनकार किया है, यही सब चीज़ें थी। हालांकि इनकी घर की आपसी लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जो है आपस में बिठाकर उनको जो है कल बातचीत भी किया है, अब आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ इसमें निकल के सामने आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो कलह है अगर वो जल्द खत्म नहीं होती तो पार्टी को बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है सहारनपुर के पत्रकारों की तरफ से। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।